आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। बिजनौर में नूरपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज घोषित हो गए हैं, जिसमें सपा गठबंधन के प्रत्याशी नैमुल हसन ने भाजपा उम्मीदवार अवनी सिंह पर 5,662 मतों से जीत हासिल की है, जिसके बाद सपा में खुशी की लहर दौड़ गई। जीत से भले ही सरकार पर कोई असर नहीं दिख रहा हो, लेकिन लगातार गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा उपचुनाव और फिर कैराना और नूरपुर उपचुनाव में जीत से भाजपा के खिलाफ सपा और विरोधी दलों ने माहौल जरूर खड़ा कर दिया है। इसका नजर आज जनपद के चक्कर की मिलक स्थित सपा कार्यालय पर भी नजर आया। सपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ मिठाई बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। अध्यक्ष जी को खिला दो जरा। जीत का श्रेय मैं पहले बता चुका हूँ। नूरपुर कैराना की जनता को सबसे पहले मैं सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। उनकी विश्वास, हम में जो विश्वास है उसके लिए मैं उनको श्रेय देता हूँ। और साथ साथ मुरादाबाद जनपद के हमारे तमाम सम्मानित साथीगण, कार्यकर्तागण, नेतागण और हमारी माताएं बहनें, जिन्होंने सैकड़ों की तादाद में नूरपुर क्षेत्र में जाकर हर जोन के हर सेक्टर में कम से कम, मैं आपको इस बीच में एक बात बता देना चाहता हूं कि वहां पर हमारे प्रत्याशी की ओर से पूरे विधानसभा क्षेत्र को 5 जोन में बांटा गया था और एक जोन में 5 सेक्टर बनाए गए। इस प्रकार कुल 25 सेक्टर में पूरे नूरपुर विधानसभा क्षेत्र को बांटा गया। बड़े खुशी की बात है, बड़े फख्र की बात है कि उन सभी 25 सेक्टर्स में कम से कम 20 लोग कार्यकर्ता, नेतागण समाजवादी के मुरादाबाद से हर सेक्टर में मौजूद है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जिले मुरादाबाद के तमाम नेतागणों को, तमाम कार्यकर्ता साथियों को, तमाम माताओं को, बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन लोगों ने तन मन और धन से जिस प्रकार से नूरपुर चुनाव में लगकर इस सीट को जिताने में सहयोग किया है, उसके लिए जिला समाजवादी पार्टी, महानगर समाजवादी पार्टी, मैं और महानगर अध्यक्ष दिल से उनके शुक्रगुजार हैं और एहसानमंद हैं। आपका बहुत बहुत समाजवादी पार्टी की जानिब से प्रदेश व देशवासियों को माहे रमजान एवं ईद की दिली मुबारकबाद। सौजन्य से टीपी यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी।